हाय फ्रेंड्स, डेलिकेसीज ऑन द प्लेट में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी ये टेस्टी सब्जी। दही वाली भिंडी है ये, बहुत ही टेस्टी बनता है। एकदम रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट है इसका। आप इसे पूरी या पराठे के साथ सर्व करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। दही की भिंडी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई में करीब 7 से 8 बड़े चम्मच तेल ले लिया है। 250 ग्राम भिंडी मैंने यहाँ पर धोकर सुखा कर इसे करीब 1.5 से 2 इंच की लंबाई में काट लिया है और इनको फ्राई कर लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक। लगातार स्टर करते हुए लो से मीडियम हीट पर इसे फ्राई करें ताकि इसका रंग समान रूप से चेंज हो, समान रूप से पक जाए। ये देखिए यहाँ पर, तो इसे करीब मैं 2 से 3 मिनट के लिए और भून लूँगी तेल में। भिंडी भून लेने के बाद इनको मैं तेल में से निकाल लूँगी एक प्लेट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भिंडी फ्राई हो गए हैं। अब इनको मैंने एक प्लेट में भी निकाल लिया है। अब हम मसाला को भूनेंगे, तो बचे हुए तेल में मैं 1/4 छोटा चम्मच हींग डाल दिया है मैंने यहाँ पर। फिर 1 छोटा चम्मच ये पचफोरन है। पचफोरन के इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। करीब 3 हरे मिर्च है जिसे मैंने बीच में से चीर लिया है। फिर 10 से 12 कड़ी पत्ते। इन सारी चीज़ों को धीमी आंच पर करीब 40 से 45 सेकेंड के लिए भून लूँगी। फिर इसमें मैं डाल दूँगी 1 बड़ा प्याज जिसे मैंने बारीक काट लिया है। अब इनको धीमी आंच पर सुनहरा होने तक भून लेना है, लगातार चलाते हुए भून लें। फिर यहाँ पर मेरे पास 2 बड़े चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट है, तो करीब 10 से 12 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा ग्राइंडर में लेकर थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से पीस लें। इनको भी करीब 1 से 1.5 मिनट के लिए धीमी आंच पर भून लें ताकि इसका पूरा कच्चा फ्लेवर निकल जाए। मसालों का अच्छे से भुना जाना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी सब्ज़ी को बनाने में। अब मैं इसमें डाल दूंगी कुछ सूखे मसाले, जैसे कि 3/4 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच जीरा पाउडर। फिर मैं डाल दूंगी इसमें 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला। तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है और तेल में करीब 30 सेकेंड के लिए भून लें। यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है ताकि मसाले जले नहीं। नमक डालने से प्याज में से मॉइस्चर रिलीज होगा जिससे कि मसाले नहीं जलेंगे। मसाले भून जाने के बाद यहाँ पर मैंने 1 छोटा बोल दही लिया हुआ है जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है और फिर इसे मैंने स्ट्रेनर से छान लिया है, छन्नी से छान लिया है ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने करी में। और अब इसके भी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। आंच को मैंने एकदम धीमे फ्लेम पर रखा हुआ है। थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, करीब 1/2 छोटा कप, ताकि एक अच्छी कंसिस्टेंसी मिल जाए इसे। अब अपने ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी डालकर मिक्स कर लें। अब यहाँ पर जो मैंने फ्राई की हुई भिंडी है इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। अच्छे से मिक्स करने के बाद करीब 2 से 3 मिनट तक इसे पका लें ताकि करी का पूरा फ्लेवर भिंडी में चला जाए। अब इसमें मैंने डाल दिया है बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, इसे अच्छे से मिक्स कर लें। सब्ज़ी को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी लिया है जिसे मैंने पैन में हल्का सा भून लिया है और इस तरह से हथेली की सहायता से क्रश करके आप कढ़ाही में डाल दें, पैन में डाल दें और सब्ज़ी में अच्छे से मिक्स कर लें। तो यहाँ पर हमारी दही वाली भिंडी बनकर तैयार है। आप इसे पूरी पराठे के साथ सर्व करें, तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें, चाहे नान के साथ सर्व करें, बहुत टेस्टी लगेंगी। आप इसे छोटी मोटी डिनर पार्टीज के लिए या टिफ़िन के लिए बना सकते हैं। बच्चों से लेकर बड़े ये सबको पसंद आता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप ट्राई करें इस रेसिपी को और कमेंट करना ना भूलें अपने एक्सपीरियंस के बारे में। बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा।